हेलो फ्रेंड्स, पाल माय नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दोस्तों, हमने क्लास सेवेंथ की संस्कृत की सारे चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे चैनल पाल माय नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। इसमें क्लिक करके आप जा सकते हैं और सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और वीडियोस को आप अंत तक देखें और वीडियोस के अंत में यहाँ पर और यहाँ पर सारे लिंक्स इसमें दिए हुए हैं, वहाँ पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में क्लास सेवेंथ के रुचिरा सीबीएसई बोर्ड के संस्कृत की सप्तम पाठ यानी कि सातवें पाठ, जिसका नाम है संकल्प सिद्धि दायक, इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो इसका हिंदी में अर्थ है संकल्प सिद्धिदायक होता है। इस कहानी में पार्वती शिव को प्राप्त करना चाहती हैं और इस पाठ में यही बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी भी चीज को हासिल किया जा सकता है और इसी का हम आज हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांचत, यानी कि पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने की या प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, एतदर्थम यानी कि इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की या चाही, कब तपस्या करनी चाही। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्याविदेयत, उन्होंने अपना प्रयोजन माता को या माता से निवेदन किया या माता को बताया। तत् श्रुत्वा माता बिना चिंताकुला अभवत, तत् श्रुत्ता यानी कि वह सुनकर माता मीना चिंता से व्याकुल हो गई। मीना कहती हैं, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मीना कहती है, हे पुत्री, मनीषिता यानी कि इच्छित देवता तो घर में ही है, संति यानी कि है। तपः कठिनम भवति यानी कि तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमल सुकोमलम वर्तते, तव शरीरम यानी कि तुम्हारा शरीर अति कोमल है। गृहे एव वस, गृहे यानी कि घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, अत्रैव यानी कि अत्र प्लस एव, अत्र यानी कि यहाँ, एव यानी कि ही, अत्रैव यानी कि यही। तवाभिलाषः, तव प्लस अभिलाषः यानी कि तुम्हारी अभिलाषा सफलः भविष्यति यानी कि सफल होगी, यानी कि यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी या पूरी होगी। पार्वती, अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। पार्वती कहती है, हे माता, तादृश यानी कि वैसी इच्छा या अभिलाषा तो तप से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम यानी कि वैसा, पतिम यानी कि पति, कथम यानी कि कैसे प्राप्त कर पाऊंगी, यानी कि वरना वैसा पति कैसे प्राप्त कर पाऊंगी। अहम तपह एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, यानी कि मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। मेना, पुत्री, त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। मेना कहती है, हे पुत्री, तुम्हें मेरे जीवन की चाह हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। पार्वती ने कहा कि सत्य है परंतु मेरा मन, मम यानी कि मेरा मन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। आकुलितम यानी कि व्याकुल। सिद्धिम प्राप्त्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, यानी कि सिद्धि को प्राप्त करके या सफलता को प्राप्त करके पुनः तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, अद्य प्लस एव यानी कि अद्य यानी कि आज, एव यानी कि ही, आज ही
विजया के साथ गौरी शिखर को चली जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, यानी कि तब पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः इव तपति स्म, यानी कि पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचिंच शिलायाम स्वापिति स्म एकदा विजया अवदत्, यानि कि कदाचित यानि कि कभी रात को जमीन पर स्थंडिले यानि कि जमीन पर, और कभी कदाचित च यानि कि और कदाचित यानि कि कभी, इसमें दो शब्द मौजूद हैं कदाचित प्लस च कदाचित च, और कभी शिला पर सो जाया करती थी। एक बार विजया ने कहा, विजया सखी तपह प्रभावात हिंस्र पशवो यपि तव सखायह जाताह। विजया ने कहा, हे सखी तप के प्रभाव से खूंखार पशु भी तव यानी कि तुम्हारे सखायह जाता यानी कि तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपह, यानी कि तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, यानी कि फिर भी तुम्हारी अभिलाषा यानी कि इच्छा आशा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजये किं न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्याजति अपि च मनोरथानां अगतिः नास्ति। पार्वती कहती है, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो मनस्वी यानी कि महापुरुष कदापि यानी कि कभी भी धैर्यम न परित्याजति यानी कि धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं, यानी कि महापुरुष कभी भी धैर्य नहीं खोता है। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, अपि यानी कि भी च यानी कि और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। अगति यानी कि विफलता, मनोरथानाम यानी कि इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजया त्वम वेदम अधीतवती, विजया कहती है तुमने वेदों का अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किया है। तपह कारणात् जगति तव प्रसिद्धि ही, तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अर्पणा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, यानी कि अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। प्रथिता यानी कि प्रसिद्ध हो, त्वम यानी कि तुम, नामना यानी कि नाम से, अपि यानी कि भी, यानी कि अर्पणा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनरपि यानी कि फिर भी तपसः फलम यानी कि तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता है। नैव दृश्यते यानी कि नहीं दिखाई नहीं पड़ता है। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतिता, पार्वती कहती है, अरे व्याकुल हृदय वाली तुम चिंतित क्यों हो। कथम यानी कि क्यों। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, नेपथ्य में अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ जल पीना चाहता हूँ। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम यानी कि भ्रम के साथ या घबराहट के साथ। विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतोऽस्ति, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी, वटु यानी कि ब्रह्मचारी आगतोऽस्ति यानी कि आया है। विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, यानी कि विजया शीघ्र ही चली गई। सहसैव यानी कि अचानक ही, सहसा प्लस एव यानी कि अचानक ही ब्रह्मचारी रूपधारी शिव का वहाँ प्रवेश करते हैं। विजया बटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, विजय कहती है, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु यानी कि बैठिए, भवान यानी कि आप बैठिए। यह मे सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, शिव की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या कर रही है या तपस्या
करती है। बटुहु ही तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते स्नानार्थम जलम सुलभम भोजनार्थम फलम वर्तते त्वं तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। वटुः यानी कि ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी, तप के लिए क्या पूजा सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, यानी कि स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि, यानी कि तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम, यानी कि शरीर प्लस आद्यम, यानी कि प्रथम धर्म साधन खलु, यानी कि निश्चित रूप से शरीर है, शरीर ही है। पार्वती तूष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुप खड़ी हो जाती है। वटुः हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपस्सी शिवाय, वटुः यानी कि ब्रह्मचारी कहते हैं, हे तपस्विनी किस लिए, किमर्थम यानी कि किस लिए तप कर रही हो, शिवाय यानी कि शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, यानी कि पार्वती पुनः चुप खड़ी हो जाती है। विजया आकुली भूय, विजया व्याकुल होकर या परेशान होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। बटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, यानी कि ब्रह्मचारी रूप में जो शिव हैं वो अचानक ही जोरों से हंसते हैं। बटुः अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, यानी कि ब्रह्मचारी कहते हैं, अरे पार्वती सत्य ही तुम, यानी कि क्या सत्य है कि तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो। उपहसन यानी कि हंसकर, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, यानी कि वह नाम से ही शिव है, नामना शिव यानी कि वह नाम से ही शिव है, अन्यथा वरना अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में निवास करते हैं या शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके तीन नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, यानी कि वस्त्र बाघ का चमड़ा है, चर्म है। अंगरागः चिताभस्म, यानी कि अंगले चिता की राख है। परिजनाश्च भूता गणाः, तथा मित्रगण भूत टोली हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, यानी कि क्या तुम शिव को ही पति चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर, अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यानी कि अरे वाचाल या ज्यादा बोलने वाला, हट जा अपसर यानी कि हट जा, जगति यानी कि संसार में कोई भी, कोई अपि यानी कि कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा ही बोलते हो। विजया प्रति सखी चल, विजया के प्रति सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह श्रृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, यानी कि जो निंदा करता है वह तो पापी ही है, जो सुनता है वह भी पापी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति तदैव पृष्ठतः बटोः रूपं परित्यज्य शिवः तस्या हन्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते, यानी कि पार्वती तेज गति से निकलती है। तदैव यानी कि तभी पृष्ठतः यानी कि पीछे से ब्रह्मचारी रूप को परित्यज्य यानी कि छोड़कर त्याग करके शिव उसका हाथ गृह्णाति यानी कि पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा से कांपती हैं। शिवः पार्वती प्रीतोऽस्मि तव सटल्पेन, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प, तव सटल्पेन यानी कि तुम्हारे संकल्प से मैं प्रीतोऽस्मि यानी कि प्रसन्न हूँ। प्रीतो प्लस अस्मि यानी कि प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासोऽस्मि, अद्य यानी कि आज से आगे अहम यानी कि मैं तुम्हारा, तव यानी कि तुम्हारा तपस्या से कृतो दासोऽस्मि यानी कि खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, यानी कि मुंह नीचे की ओर करके पार्वती मुस्कुराती है।
दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सीधे जाकर और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।